Good morning, students. In the last class, we were studying about homospholic and heterospholic gametophytes. So we will continue today. The heterospholic gametophytes are 9 in number. They are Isoetes, Selaginella, Platyzoma, then we have Red Meladium, Pinnelia, and Cyanides. Then we have aquatic tegophytes, Azolla, Salvinia and Marsilia. So these are 9 in number. These are all heterospholic genera. The rest of the tegophytes are homospholic. We had discussed about heterospholy and homospholy in the last class. So what is the difference between homospholic and heterospholic? We have already studied about. Now, heterospholic tegophytes are always endosporic. So, we understand two more terms, which are endosporic and exosporic. Endosporic and exosporic. Tegophytes are of two types. The heterospholous tegophytes are endosporic and homospholous tegophytes are exosporic. Now we understand the difference between the two points. How are heterospholous tegophytes endosporic? Endosporic means that suppose this is the spore, and the spore is going to multiply by several divisions. बहुत सारे विभाजन होंगे इसमें और जो विभाजन होंगे वो स्पोर वॉल के अंदर ही होंगे. तो स्पोर वॉल के अंदर होने से जब सारे विभाजन होंगे वो स्पोर वॉल के अंदर ही होंगे तो उससे क्या होगा कि ये इसको ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी. तो इसलिए इसका डेवलपमेंट और इसके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा होते हैं. लेकिन होमोस्पोरस जो होते हैं उसमें स्पोर वॉल से जर्म ट्यूब निकलती है और बाद में सारे डिविजन स्पोर वॉल के बाहर होते हैं तो वो कहलाता है एक्सोस्पोरिक. तो उसमें कई बार ऐसा हो जाता है कि पूरी तरह से स्पोर को प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता और वो अनुकूल अवस्थाएं नहीं मिलने पर नष्ट हो जाता. तो इसलिए एंडोस्पोरिक या हेटरोस्पोरस टेट्रोफाइट्स में सर्वाइवल की चांसेस ज्यादा होते हैं. तो एक एडेप्टेशन है फॉर बेटर सर्वाइवल ऑफ द स्पोर्स आफ्टर जर्मिनेशन या आफ्टर मल्टीप्लिकेशन. एक बात और आएगी होमोस्पोरस और हेटरोस्पोरस टेट्रोफाइट्स में. हमने ये पढ़ा था कि जो मेन प्लांट बॉडी होता है, जो डिप्लॉइड प्लांट बॉडी होता है, जो बीजाणुद्भिद होता है, जो स्पोरोफाइट होता है, वो स्पोरेंजिया में भी स्पोर करता है. स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल होते हैं. स्पोर मदर सेल में रिडक्शन भी होता है, अर्थ भी विभाजन होता है जिससे अवगुणित बीजाणु बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं. और जब ये स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं तो ये गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी युग्मक उद्भिद बनाते हैं जिसको हम प्रोथैलस बोलते हैं. और मैंने ये भी बताया था आपको कि प्रोथैलस जो है वो थैलॉइड प्लांट बॉडी होता है और वो थैलॉइड प्लांट बॉडी एक हार्ट शेप्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है. उस पर राइजॉइड उपस्थित होते हैं और ये थैलस होता है, इसमें टू रूट स्टेम डिफरेंशिएटेड नहीं होते. तो जो हेटरोस्पोरिक होते हैं वो ज्यादातर डायोशियस होते हैं. डायोशियस का मतलब एक थैलस पर तो
बाकी गोलियां बनेंगे और दूसरे थैलस पर एंथेलिया बनेंगे। तो ये हो गया मेल ग्रोथ थैलस, ये हो गया फीमेल ग्रोथ थैलस। तो ये डायोशियस होते हैं जनरली। डायोशियस को हम हिंदी में कहते हैं एक लिंगाश्रय, ठीक है। तो एक तो मेल ग्रोथ थैलस, एक फीमेल ग्रोथ थैलस। लेकिन जो होमोस्पोरस स्टेरोफाइट्स होते हैं उनके जनरली ग्रोथ थैलस जो है वो मोनोशियस होता है। मोनोशियस का मतलब द्विलिंगाश्रय हिंदी में। तो ये फिर से थायराइड ग्लैंड बॉडी है, उसी थैलस पर बेसल पोर्शन में क्या एंथेलिया है और एपिकल पोर्शन में आर्टेरियोलिया है, ठीक है। तो ये होमोस्पोरिक टाइप में जो ग्रोथ थैलस है वो जनरली मोनोशियस होता है। तो कॉमन थैलस पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक हमने होमोस्पोरी देख लिया, हेटरोस्पोरी देख लिया, ग्रोथ थैलस में मोनोशियस एंड डायोशियस टाइप देख लिए। फिर हमने ये देख लिया कि जो हेटरोस्पोरिक होते हैं वो ज्यादातर एंडोस्पोरिक होते हैं और जो होमोस्पोरस होते हैं वो ज्यादातर एक्सोस्पोरिक होते हैं। फिर एक और पॉइंट आता है एक्सोस्कोपिक एंड एंडोस्कोपिक डेवलपमेंट। अब ये ग्रोथ थैलस था, ग्रोथ थैलस में सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट है। अब सेक्स ऑर्गन्स की हम पहले बात करें तो जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो कहलाता है एंथेलियम और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो कहलाता है आर्किगोनियम। अब एंथेलियम जो है वो एक क्लब शेप स्ट्रक्चर होता है, स्टॉक प्रेजेंट होता है, और आर्किगोनियम जो है एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है इस तरह का। इसके दो पार्ट्स होते हैं, इट इज फ्लास्क शेप और इसमें एक स्टॉक प्रेजेंट हो सकता है या ये सेसाइड हो सकते हैं। और ये जो एंथेलियम है ये एक क्लब शेप स्ट्रक्चर होता है, इसमें भी स्टॉक प्रेजेंट हो सकता है या कई बार सेसाइड हो सकते हैं, बिना ग्रंथ के हो सकते हैं। अब ये पोर्शन कहलाता है आर्किगोनियम का नेक और ये कहलाता है वेंटर। जो बेसल स्वॉलन पोर्शन है वो वेंटर है और जो प्रॉक्सिमल नेक लाइक सिलेंडर स्ट्रक्चर है वो नेक है। अब इस नेक में हम नंबर ऑफ सेल्स एक टिपिकल होते हैं, ब्रायोफाइट्स में भी यही दोनों सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन ब्रायोफाइट्स और टेरोफाइट्स में एंथेलियम और आर्किगोनियम में एक डिफरेंस होता है। अब क्या है वो डिफरेंस, यहाँ जो नेक है नेक पर जैकेट सेल्स भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, एम्बेडेड भी हो सकते हैं, प्रोजेक्टेड भी हो सकते हैं। जो सेक्स ऑर्गन्स है वो धसे हुए भी हो सकते हैं ग्रोथ थैलस के अंदर या बाहर की तरफ निकले हुए भी हो सकते हैं। अब सबसे ऊपर नेक पर कवर सेल्स प्रेजेंट होती है, फिर ये नेक सेल्स होती हैं, सेंटर में नेक कैनाल सेल्स होती हैं, यहाँ पर वेंटर कैनाल सेल होता है और सबसे बीच में एक एग सेल होता है। तो एक एग सेल होता है, एक वेंटर कैनाल सेल होता है। यहाँ पर जो नेक सेल्स है सेंट्रल नेक कैनाल सेल्स जो है वो होते हैं लेकिन भी अ सिंगल बाइन्यूक्लियेट सेल, एक नेक कैनाल सेल और वो सिंगल बाइन्यूक्लियेट हो सकता है, मतलब उसके अंदर दो केंद्रक उपस्थित हो सकते हैं या वो चार से लेके 14 तक भी हो सकते हैं। तो ये वेरिएशन मिलेगा आपको नेक कैनाल सेल्स में, लेकिन जो फर्न्स होते हैं जो हायर टेरोफाइट्स होते हैं उनमें ज्यादातर एक ही बाइन्यूक्लियेट नेक कैनाल सेल होता है। फिर नेक सेल्स की बात करते हैं, अगर हम यहाँ से सेक्शन काटें नेक का तो हमें जो स्ट्रक्चर दिखेगा वो इस तरह से दिखेगा,
ये जो सेंट्रल पोर्शन है ये तो नेक कैनाल सेल्स का है। अब आप एक सेक्शन काट रहे हैं तो आपको एक ही सेल दिखता है। मैंने आपको बताया एक बाइनरी न्यूक्लियर सेल हो सकता है या 4 से 14 नेक कैनाल सेल्स होते हैं। जो नेक सेल्स है वो 4 कॉलम्स होते हैं यार, 4 कॉलम्स ऑफ नेक सेल्स। प्रायोफाइट्स में जो हम आर्किडियम देखते थे उसमें 6 कॉलम्स ऑफ नेक सेल होते थे। अगर आपको ध्यान है 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 6 कॉलम्स ऑफ नेक सेल्स होते थे। यहाँ टेडोफाइट्स में हम 4 कॉलम्स ऑफ नेक सेल्स देखते हैं। ठीक है, एक वेंट्रल कैनाल सेल हो गया, एक एग सेल हो गया और ना ऊपर कवर्ड सेल्स होते हैं। क्योंकि आपको पता है टेडोफाइट्स में जो मेल सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडियम उसके अंदर यहाँ एंथ्रोजॉइड मदर सेल्स होते हैं। इन एंथ्रोजॉइड मदर सेल्स में मेटामॉर्फोसिस होगा और एंथ्रोजॉइड्स बनेंगे जो कि बाइफ्लैजेलेट होते हैं, मोटाइल होते हैं, चल बीजाणुकर होते हैं, चल युग्मक होते हैं, सॉरी तो गैमेट्स होते हैं। तो इनको गैमेट्स को फीमेल गैमेट या एग सेल पर पहुंचने के लिए वाटर नेसेसरी होता है, इसलिए वाटर इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन। दूसरा इसमें कीमोटैक्टिक रिस्पॉन्स आता है क्योंकि यहाँ पर जब कवर सेल्स सेपरेट होते हैं ये नेक कैनाल सेल्स डिसॉल्व होते हैं तो मैलिक एसिड सिक्रीट होता है और ये मैलिक एसिड इन एंथ्रोजॉइड्स को अपने पास अट्रैक्ट करता है, ये चैनल बन जाता है, वेंट्रल कैनाल सेल भी डिसइंटीग्रेट हो जाता है और एक एंथ्रोजॉइड आकर एग सेल से फ्यूज होके फर्टिलाइजेशन होके जाइगोट बनता है। तो ये मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स का डिस्क्रिप्शन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।